केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए लेखी ने कहा कि शराब के कारोबारी में हुए बड़े घोटालों की वजह से राजकोष में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार दिल्ली में शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को उल्लंघन करके गुटबंदी कर रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद ने मनोज तिवारी ने भी बड़ा तंज कसते हुए केजरीवाल को कहा कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर केजरीवाल की दाढ़ी में तिनका है। तो वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने लिखा है कि केजरीवाल कुछ भी कहे, इन सबको जेल जाना ही होगा। सिसोदिया को जेल जाना होगा, ये केजरीवाल भी जानते हैं। तो वहीं इन नेताओं के बाद गौतम गंभीर ने भी गहरे दाग छोड़े हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि इस सरकार का नाम आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बल्कि ठेके की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल इतने भी बड़े नहीं है कि बीजेपी उनको निशाना बनाएगी। बीजेपी नेता आशीष सूद कहते हैं कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी की कमियां खामियां हैं। वहीं उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि किस एजेंसी इन्हें बताया कि किस इलाके में किस दुकान के पर क्या बेहद प्राइस होने चाहिए, कैसे तय कर लिया इन्होंने एक निगम में कितनी दुकानें हो, कैसे वेंडर 2% से 12% कमीशन कर दिया गया है, ये सब जांच में साफ हो जाएगा। नीतियां में बहुत कमी थी जिसकी बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। खैर, केंद्र सरकार लगातार केजरीवाल पर हमला बोलती जा रही है। वहीं देखना यह होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है केजरीवाल का।